यहाँ पर मार्क पूर्व आर्म रेसलिंग चैंपियन रह चुका है जो कि लॉस एंजलिस में रहता है, लेकिन उसे किसी प्राइवेट आर्म रेसलिंग के किसी गैम्बलिंग टूर्नामेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से उसे अमेरिकन आर्म रेसलिंग लीग से निकाला गया है, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन में हिस्सा नहीं ले सकता है। तो अब मार्क एक प्राइवेट नाइट क्लब में एक बाउंसर का काम कर रहा है, जहाँ उसका पुराना दोस्त कम एजेंट रॉनी मिलता है। असल में इसी की वजह से गैम्बलिंग मैच खेलने की वजह से मार्क को यहाँ से निकाला गया होता है। मार्क रॉनी से कहता है कि वो फिर से गैम्बलिंग का हिस्सा बनके अपना करियर खराब नहीं करना चाहता है, मगर रॉनी यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके ऊपर कर्जा है, बस एक बार ही उसके खातिर एक राउंड खेले। और इस क्लब के दूसरे हिस्से में आर्म रेसलिंग के मैचेस हो रहे हैं, जहाँ पर बॉब नाम का एक रेसलर सबको एक के बाद एक हरा रहा है। मार्क को देख करके क्लब के ओनर को आश्चर्य होता है, क्योंकि मार्क उसका ही एक एम्प्लॉय है। मार्क पर कोई भी बैटिंग लगाने को तैयार नहीं, तो रॉनी उस ऑनर से कहता है अगर मार्क हारेगा तो वो उसके क्लब में ज़िंदगी भर काम करेगा, और अगर वो जीत गया तो ये सारा पैसा लेकर के वो चला जाएगा। और यहाँ पर मार्क और बॉब के बीच में मैच शुरू होता है। यहाँ पर बॉब को यह पता नहीं होता कि मार्क क्या चीज़ है। मार्क न केवल ताकतवर है बल्कि उसे आर्म रेसलिंग के दाव पेच भी अच्छे से आते हैं। बॉब मार्क को हराने की बहुत कोशिश करता है, मगर मार्क का हाथ एक इंच भी नहीं हिलता, और देखते ही देखते मार्क बॉब को आसानी से हरा देता। मगर बॉब अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो रॉनी को पैसा लेने से रोकता है और उससे हाथापाई करने लगता है। और उस पर जैसे ही हाथ उठाने वाला होता है, पीछे से मार्क आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। और यहाँ पर बॉब के आदमियों के साथ में फिर मार्क की लड़ाई होने लगती है। फिर यहाँ पर रॉनी बोलता है कि मुझे जल्दी है, हम बाद में मिलेंगे, और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ मार्क को कस्टमर से हाथापाई करने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, और उसे एक चाटा भी मारता है। मार्क यहाँ पर जाते जाते ओनर को वॉर करता है कि अगली बार अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब यहाँ पर मार्क एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ता है, और तभी उसे एक दिन रॉनी का फ़ोन आता है, और वो उसे कहने लगता है कि कोरिया में आर्म रेसलिंग की टूर्नामेंट होने वाली है, और रॉनी चाहता है कि मार्क उसमें हिस्सा ले, बाकी का बिजनेस रॉनी संभाल लेगा। और यहाँ मार्क के अंदर का रेसलर उसे शांति से बैठने नहीं देता, तो वो अपने अमेरिका के आर्म रेसलिंग चैंपियन का मेडल लेकर के कोरिया जाने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है। कोरिया पहुँचने के बाद एयरपोर्ट में रॉनी उसे रिसीव करने के लिए आता है। मार्क भले ही कोरिया में जन्मा हो, लेकिन उसकी परवरिश अमेरिका में ही हुई है, इसीलिए उसे इंग्लिश तो अच्छे से आती है, लेकिन उसे कोरिया नहीं आती है। रॉनी मार्क को लेकर के रेस्टोरेंट में जाता है। जैसा मार्क का साइज होता है उसी हिसाब से वो खाना भी अच्छे से खाता है, जिसे देख करके आसपास के लोगों को बड़ा ही ताज्जुब होने लगता है। अब रॉनी मार्क से कहता है कि कार्लो नाम का एक लोन शार्क है जो स्पोर्ट्स में बैटिंग करता है, उससे फ़ायदा उठा के हम करोड़ों कमा सकते हैं। मार्क यहाँ पर कहता है कि वो फिर से गैम्बलिंग में फंसना नहीं चाहता। फिर रॉनी कहता है कि वो गैम्बलिंग नहीं बैटिंग है, जो कि एक तरह का बिजनेस ही है। फिर वो लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर आसपास लोग टूरिस्ट समझ के उसे उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। रात में रॉनी उसे होटल छोड़ करके चला जाता है। यहाँ रॉनी ने रूम में मार्क के लिए गिफ्ट के तौर पर उसे एक मोबाइल फ़ोन छोड़ा होता है, जिसमें उसकी मार्क का लोकेशन होता है। और दूसरी तरफ रॉनी अपने बिजनेस प्रपोजल को लेके कार्लो के पास ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करता है, और वहाँ पर कार्लो उसे उल्टा लटका देता है। यहाँ पर रॉनी कार्लो को मार्क के वीडियोस और उसके जितने भी रेसलिंग्स होते हैं उसके बारे में उसे दिखाता है। वो कार्लो से कहता है कि इस बार बहुत ही बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आर्म रेसलिंग को कवर करने वाली है, तो बड़ा धमाका होने वाला है, जिसका फ़ायदा उठा के बेटिंग करके बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, और मार्क जैसा टॉप का रेसलर हाथ में हो तो करोड़ों कहीं नहीं। यहाँ पर कार्लो कहता है कि बेटिंग में जीतने से हारने का भी हारना भी ज़रूरी है। रॉनी कहता है कि फ़ायदा हो, पैसे हो, तो मार्क को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो कार्लो यहाँ पर रॉनी को मार्क से मिलने के लिए कहता है। दूसरे दिन मार्क मोबाइल पर दिए हुए लोकेशन को फॉलो करते हुए उस घर पर पहुँचता है। वहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, जिसमें लड़के का नाम सोनू होता है और लड़के का नाम मोनू होता है। जब वो लोग उसे देखते हैं वहाँ पर, तो वो लोग उसे बीस्ट कहने लगते हैं। यहाँ पर सोनू बताती है कि वो उसके ग्रैंड माँ का घर है। यहाँ पर मार्क को लगता है कि सोनू की माँ ने दूसरी शादी की हो शायद, तो वहाँ पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर घर में बच्चों की माँ, जिसका नाम कैसी होता है, सोनू यहाँ पर कहती है कि उसने घर के बाहर एक बहुत बड़े आदमी को देखा। वो विंडो में से कैसी को मार्क को जाते हुए दिखाती है। उसे देख करके कैसी को फिर टेंशन आ जाती है। रात में वो मार्क और कार्लो का मुलाकात करवाता है। मार्क को पहली ही नज़र में कार्लो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कार्लो यहाँ पर मार्क की पावर देखने के लिए वो यहाँ पर लोकल रेसलर से उसकी मैच करवाता है। मार्क उस आर्म रेसलर को आराम से हरा देता है।
और फिर एक एक करके और भी दूसरे आर्म रेसलर्स मार्क को आजमाने लगते हैं और मार्क यहाँ पर एक एक करके सबको हराते जाता है। दरअसल वो सभी डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक डेमो के लिए होता है, एक बिलियनियर इन्वेस्टर को दिखाने के लिए, जिसका नाम एडवर्ड होता है, जो कार्लो का फाइनेंसर भी होता है। मार्क का मैच देख करके एडवर्ड उस पर बैटिंग का पैसा लगाने के लिए हाँ कह देता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि कैसे का एक दूसरा बुटीक है जो वो जैसे तैसे चल रहा है। वो रात भर उस बुटीक में काम करती है और सुबह घर जा करके वो सोती है। उसके ऊपर कार्लो का कर्जा भी है। इसके बाद भी वो फुल एनर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है। यहाँ पर जो कि उन्हें एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो अब एक अच्छे होटल में रहने लगते हैं और वहाँ की शानो शौकत को इन्जॉय करने लगते हैं। तभी रॉनी को कार्लो का मैसेज आता है, मार्क को कल की प्राइवेट मैच में पहले मैच को जीतना है और दूसरी मैच को हारना है। रॉनी को समझ नहीं आता कि वो मार्क को हारने के लिए कैसे कन्विंस करे। यहाँ पर कैसी जब घर में आती है, मोनू उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए सूच लेकर के आई है, मगर कैसी काम का बहाना बना करके उसे टाल देती है और दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें एक फ़ोटो में छोटा मार्क अपनी माँ के साथ दिखाई देता है। उसी वक्त मार्क अपनी माँ के बारे में पूछताछ करने के लिए घर के बाहर आता है तो रास्ते में उनकी मुलाकात सोनू और मोनू से होती है। फिर मार्क उनसे पूछता है क्या उनकी ग्रैंड माँ का नाम चीनी है, तो बच्चे हाँ कहते हैं। तो बच्चों से उन्हें पता चलता है कि अब घर में बस उनकी माँ है। पर मोनू यहाँ पर उसे धमकी देता है कि अगर वो वापस आया तो वो पुलिस को बुलाएगा। दूसरी ओर कार्लो डैनी को फ़ोन करके रात का इन्विटेशन देता है रात को आने का मैच में। डैनी यहाँ पर नेशनल लेवल का आर्म रेसलिंग का चैम्पियन रहता है। मार्क को देखने के लिए यहाँ पर कार्लो ने डैनी को बुलाया होता है और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन ने कि क्या हम उस पर करोड़ों रुपये लगा सकते हैं। और यहाँ पर मार्क कैसे का पीछा करते हुए उसके बुटीक तक आता है जो कि रेसलिंग क्लब के नीचे ही होता है, जो कि उसे वॉच करते हुए रॉनी देख लेता है। कैसे भी यहाँ पर उसे देख करके टेंशन में आती है। रॉनी यहाँ पर मार्क को एक होटल में ले जाकर उससे डरते हुए कहता है कि तुम्हें एक मैच जीतना है और एक मैच हारना है, क्योंकि ये बिजनेस है। और कमाल की बात तो ये होती है कि वो ये बात मान लेता है, जिसे सुनकर के रॉनी को भी आश्चर्य होता है। अब रात में उनकी मैच शुरू होती है। सबसे पहला एक हट्टा कट्टा और एक बहुत ही बड़ा इंसान आता है। इसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और मैच शुरू होता है। शुरुआत में तो वो आदमी मार्क पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर देखते देखते मार्क उसे हरा देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर उसे दूर से डैनी देख रहा होता है और उसे देखकर ही वो पहचान लेता है कि मार्क प्रो लेवल का रेसलर है, क्योंकि वो सभी टेक्निक्स को बहुत ही स्मार्टली यूज़ कर रहा है। कार्लो यहाँ पर डैनी को बताता है कि 10 साल पहले मार्क नेशनल लेवल का 10वां चैम्पियन था। अब कार्लो लोगों को इनक्रेज करता है कि अब वो उस पर पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि मार्क को राउंड वैसे भी हार जाएगा और इसका सारा पैसा उसे मिल जाएगा। तभी यहाँ पर कैसी मार्क का मैच देखने के लिए आती है। कार्लो से हैरेस करने लगता है, मार्क भी ये देख लेता है। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है, लेकिन मार्क यहाँ पर दूसरे राउंड में भी उसे हरा देता है, जिससे रॉनी टेंशन में आता है और कार्लो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका भारी नुकसान हो जाता है। अब उसका नुकसान भरने के लिए डैनी रॉनी को उकसाता है कि अब वो मार्क के साथ आर्म रेसलिंग करे, मगर डैनी यहाँ पर साफ मना करते हुए बोलता है कि वो बैटिंग में मैच नहीं खेलता। तो मार्क भी मना करता है, जिस पर कार्लो उस पर गुस्सा होता है। तो मार्क उसे धक्का दे करके वहाँ से चला जाता है। तो रॉनी समझ जाता है कि मार्क यहाँ पर कैसी को दिखाने के लिए जीता था, तो वह जानना चाहता है कि कैसी कौन है, मगर मार्क यहाँ पर उसे जवाब नहीं देता है। तब रॉनी कैसी के शॉप पर चला जाता है और उससे मार्क के बारे में पूछने लगता है और वो टाल जाती है। तभी वहाँ पर कार्लो आ जाता है और यहाँ पर रॉनी को मारना शुरू कर देता है, और तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है। अब यहाँ पर मार्क उनके आदमियों को मारना शुरू कर देता है, और जब यहाँ पर कार्लो कैसी को मारने जाता है तो मार्क यहाँ पर बीच में आकर के उसे बचा लेता है, और तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और मार्क और रॉनी को गुंडागर्दी करने की वजह से पुलिस वाले उसको ले जाते हैं। रॉनी यहाँ पर पुलिस वाले को बताता है कि मार्क एक आर्म रेसलर है अमेरिका का, और ये प्रूफ करने के लिए इंस्पेक्टर को मार्क के साथ में पंजा लड़ाने के लिए उकसाने लगता है। मार्क यहाँ पर इंस्पेक्टर को आसानी से हरा देता है। इंस्पेक्टर यहाँ पर अपनी हालत देख करके मार जाता है कि हाँ ये सच में है, लेकिन वो इंस्पेक्टर बिना आईडी के उसे छोड़ना नहीं चाहता। और तभी कैसी आकर के मार्क के पासपोर्ट को दिखाती है पुलिस वालों को, और सोनू यहाँ पर अंकल कह के मार्क से लिपट जाती है और कैसे इंस्पेक्टर को बताती है कि मार्क उसकी माँ का बेटा है।
मतलब कि उसका बड़ा भाई है। उसके स्टेटमेंट से मार्क शॉक होता है। यहाँ पर कैसी अपनी माँ के बचपन की और रॉनी की फ़ोटो दिखाती है। तभी हमें पता चलता है कि मार्क की माँ ने उसे एडॉप्शन के लिए दे दिया था, क्योंकि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी परवरिश कर सके। और एक अमेरिकन कपल उसे अडॉप्ट करके अमेरिका ले गया। और यहाँ पर रॉनी समझ जाता है कि कैसी मार्क की स्टेप सिस्टर है। यहाँ पर सोनू से पता चलता है कि उसकी माँ पिछले साल कैंसर से गुजर गई। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि किसी के हस्बैंड की भी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। कैसी इंस्पेक्टर से कहती है कि मार्क उसे यहाँ पर हेल्प करने के लिए कोरिया आया है, और वो गुंडागर्दी नहीं, वो उन गुंडों से उसे बचा रहा था। और अब यहाँ पर इंस्पेक्टर उसे छोड़ देता है। यहाँ पर रॉनी चाहता है कि कैसी के घर वो चला जाए, लेकिन मार्क ऐसा नहीं चाहता। और यहाँ पर सोनू अपने अंकल को इनोसेंटली अपने घर चलने के लिए कहती है। मार्क और रॉनी रात में कैसी के घर ही रुकते हैं। यहाँ पर सोनू तो दूसरे दिन से ही मार्क के क्लोज हो जाती है। और मोनू यहाँ पर बाथरूम जाना चाहता है और उसका दरवाज़ा नहीं खुलता, लेकिन मार्क दरवाज़ा खोलने के चक्कर में उसे उखाड़ देता है। और यहाँ कुछ बच्चे कैसी के घर के सामने स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और जब वो उसे टोकती है तो उल्टा उससे बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन वो मार्क को वहाँ से देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर कैसी मार्क से कहती है कि वो जितना दिन चाहे वो यहाँ रुक सकता है। यहाँ पर बच्चों को मार्क के बैग से आर्म रेसलिंग का चैंपियनशिप मिलता है, जो वह बच्चे अपने पास रख लेते हैं। और अब मार्क उस घर से अपना बैग लेकर के निकल रहा होता है, और रास्ते में वह तारलों के गुंडों को देखता है जो कैसी से अपना कर्जा वसूलने के लिए आते हैं। और मार्क यहाँ पर उन्हें धमका करके वापस भेज देता है, और यह देखकर के बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और मार्क यहाँ पर समझ जाता है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो कैसी और उसके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, और इसीलिए वो फिर से घर वापस लौट जाता है और बच्चों के लिए अमेरिकन स्टाइल का खाना बनाने लगता है, जो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और उसके बाद भी वो फिर रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पर वो एक प्राइज़ भी जीतते हैं। और बच्चे अपने अंकल से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर रॉनी इस टेंशन में होता है कि पैसे कैसे कमाएं। फिर उसे आइडिया आता है कि अगर मार्क के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए और उसे ब्रॉडकास्ट किया जाए तो इससे उसे थोड़े पैसे भी मिल सकते हैं और मार्क के लिए स्पॉन्सर भी मिल सकते हैं। तो वह चैनल में अपने दोस्त को फ़ोन करता है, और यहाँ पर मार्क अपना वर्कआउट शुरू करता है। और दूसरी ओर कार्लो मार्क का अल्टरनेटिव ढूंढने लगता है, तो उसे पता चलता है जो डैनी का एक टीममेट था जो कि आर्म रेस्टोरेंट में अनडिफिटेबल था और कोरिया का नंबर वन में आर्म रेस्टोरेंट भी था, जिसका नाम पंच है, लेकिन एस्टोराइड और एब्यूसमेंट को लेकर के उसे जेल हो गई। तो अब कार्लो पंच को मार्क के अपोजिट खड़ा करने के बारे में सोचता है, लेकिन पंच यहाँ पर एक बहुत ही ब्रूटली रेस्टर है जो अपने अपोनेंट को हराता नहीं, उसे उसके हाथ को भारी नुकसान पहुंचा देता है, जो कि उसका स्टाइल है। और यहाँ पर रॉनी मार्क को प्रो रेसलिंग में रेसलिंग के लिए प्रो टूर्नामेंट में खड़ा करने के लिए सोचता है, लेकिन उससे पहले वुशान में एक छोटी सी कॉम्पिटिशन है, सबसे पहले उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। और अब सब कैसी की कार में वुशान की तरफ निकल पड़ते हैं। सफ़र के दौरान कैसी बताती है कि उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी, जिसे लेकर के उसके मन में ड्राइविंग को लेकर के एक डर बैठा हुआ है। तो मार्क उसमें फिर कॉन्फिडेंस जगाता है। इस बहाने वह दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश भी करते हैं। और यहाँ पर वुशान की कॉम्पिटिशन डैनी हैंडल कर रहा होता है, और डैनी यहाँ पर एक के बाद एक सभी पार्टिसिपेंट्स को हरा रहा होता है। और अब मार्क उसे चैलेंज करता है। डैनी एक नेशनल चैंपियन है जो कि अपने टेक्निक पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है। और यहाँ पर मार्क और डैनी दोनों ही पंजा लड़ाने लगते हैं, और डैनी यहाँ पर अपनी पूरी टेक्निक और ताकत उसे हराने में लगाता है। और यहाँ पर दोनों में बहुत ही कड़ा मुकाबला होता है, और आखिर में मार्क उसे हरा देता है, और यहाँ पर अनडिफिटेड नेशनल चैंपियन हार जाता है। और यहाँ पर मार्क को ब्रॉडकास्ट वाले कवर कर रहे होते हैं, और यहाँ पर विनिंग के तौर पर मार्क की फैमिली को ट्रीट मिलती है, बच्चे भी मार्क को बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर मार्क के गाइडेंस में सोनू भी एक लड़के को हराती है, और सभी लोग वो ट्रिप इन्जॉय करते हैं। और रात में कैसी पूछती है कि क्या वो अपने माँ के मेमोरियल में जाना चाहेगा, लेकिन मार्क को इस बात का गुस्सा है कि उसकी माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया। और यहाँ पर मजाक मजाक में कैसी मार्क से पंजा लड़ाती है, और यहाँ पर मार्क हार जाता है जानबूझ करके। और यहाँ पर मार्क के ऊपर की डॉक्यूमेंट्री तैयार हो जाती है, और यहाँ पर कैसी और उसके बच्चे देख रहे होते हैं, साथ ही जेल में बैठा पंच भी उसे देख रहा होता है। और यहाँ पर रोज़ की तरह मोनू अपने जूते के बारे में कैसी से पूछने लगता है, और वो रोज़ की तरह टाल देती है। और दरअसल यहाँ पर वो सोच लाई होती है, लेकिन वो उसे सरप्राइज़ करना चाहती है, इसलिए अब यहाँ पर मार्क स्कूल जा करके उसे सूझ देता है, और उसे कहता है कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारा बहुत ख्याल है। और वहाँ पर एक लड़का मार्क को गोरिल्ला कहकर बुलाता है,
फिर वह इंग्लिश में कहता है उसकी माँ को कि वो गोरिल्ला नहीं, वो एक आर्म रेसलर है। तो उस औरत को याद आता है कि उसने उसे टीवी पर देखा था। फिर वो औरत वहाँ पर उसे रिस्पेक्ट से देखती है और यहाँ पर सोनू उससे वादा लेती है कि वो चैंपियन बन के रहेगा और मार्क भी उसे प्रॉमिस करता है। रात में रोनी अपने डैडी से मिलने जाता है जो कि एक पार्किंग अटेंडेंट है, और ये बात रोनी को पसंद नहीं। अपनी कर्जे की वजह से उसके डैडी ने सब कुछ खो दिया है और कर्जा भी उन्होंने अपने दोस्त को देने के लिए लिया था जो बाद में भाग गए। और रोनी यहाँ पर मार्क को अपने डैडी से मिलाता है। अब यहाँ पर मार्क को पता चलता है कि रोनी अपने डैड का कर्जा उतारने के लिए ही इधर उधर गैम्बलिंग करता रहता है। यहाँ पर रोनी को उसके डैड का अपमान हो रहा उसे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो एक कस्टमर से झगड़ा करने लग जाता है। और यहाँ पर मार्क बस में जाते हुए एक बच्चे को खुश करने के चक्कर में बस का हैंडल ही तोड़ देता है। और यहाँ पर कैसी एक छोटी सी ट्रिप अरेंज करती है। दरअसल यहाँ पर कैसी उसके माँ के मेमोरियल में ले जाना चाहती है। रात को मार्क को पता चलता है कि उसकी माँ उसे ईमेल भेजा करती थी जो उस तक कभी नहीं पहुँचे, क्योंकि उसकी माँ को भला कहाँ से उसका ईमेल आईडी मिलता। फिर मार्क ईमेल देखने लगता है, वो ईमेल कम डायरी ज़्यादा लग रही थी। फिर उसे पता चलता है कि कैसी यहाँ पर उसकी सिस्टर नहीं है, वो एक अनाथ लड़की थी जो मेहनत करके अपने दो बच्चों की परवरिश कर रही थी जिसका हस्बैंड मर चुका था। फिर मार्क की माँ को उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने घर ले आई और उसे वो अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। माँ को फैमिली मिल गई जिसके लिए वो हमेशा तरस रही थी, और कैसी ने भी उसे अपनी माँ समझा और उसके मरने तक उसकी सेवा की। और यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद भी रोनी को कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता तो फिर से कार्लो के पास चला जाता है। और यहाँ पर कार्लो कहता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे एक नया रेसलर मिल चुका है। तभी वो रेसलर रोनी को उठा करके फेंक देता है और वो गिर जाता है। और दूसरे दिन ट्रिप पर जाते वक्त यहाँ पर मार्क सीरियस है, क्योंकि यहाँ पर मार्क जान गया है कि कैसे उसकी कोई नहीं लगती। मेमोरियल पर उसके बच्चे कहते हैं कि उसके अंकल बहुत पसंद आए हैं, अपनी ग्रैंड माँ से कह रहे होते। अब मार्क कैसी से पूछता है कि उसने उससे झूठ क्यों कहा कि वो उसकी सिस्टर है। मार्क कहता है कि उसने मुझसे ही नहीं अपने बच्चों से भी झूठ कहा। असल में कैसी यही सच्चाई बताने के लिए मार्क को यहाँ लेकर के आई थी। कैसी यहाँ पर उसे सॉरी कहती है, लेकिन मार्क इस झूठी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। फिर यहाँ पर मार्क डिप्रेस हो जाता है और यहाँ पर रोनी से भी कहता है कि वो भी एक झूठा दोस्त है, क्योंकि वो भी केवल पैसे के लिए ही यहाँ पर आया हुआ है। मार्क ने रोनी को हमेशा अपना भाई समझा, लेकिन रोनी ने मार्क को हमेशा पैसे कमाने की मशीन। अब यहाँ पर मार्क अपना घर छोड़ करके चला जाता है। फिर यहाँ पर सोनू उसे मिस करती है और कैसे भी उसे याद करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहा होता है, और दूसरी तरफ रोनी टूर्नामेंट में आने वाले हर एक पार्टिसिपेंट को स्टडी कर रहा होता है और मार्क के लिए स्ट्रैटेजी बनाने लगता है। और मार्क अपनी पावर को गेन करने के लिए हैवी एक्सरसाइज करने लगता है, और दूसरी तरफ पंच अपने ऊपर एस्टेरॉइड इंजेक्ट करने लगता है। और अब टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और बच्चे यहाँ पर अपने अंकल का मैच देखना चाहते हैं, लेकिन कैसी वहाँ जाकर के मार्क को और ज़्यादा डिप्रेस नहीं करना चाहती। फिर कैसी कहती है कि मार्क अब उसकी फैमिली नहीं है। फिर सोनू पूछती है कि क्या फैमिली वाले ही एक साथ रह सकते हैं, तो फिर हम लोग ग्रैंडपा के साथ क्यों रहते थे। फिर कैसी यहाँ पर जवाब नहीं दे पाती। यहाँ मार्क स्टेडियम पहुँचता है तो रोनी उसे वो बुक देता है जिसमें उसने सभी पार्टिसिपेट्स की स्ट्रैटेजी लिखी हुई होती, और अब मार्क भी अपना गुस्सा छोड़ करके रोनी को माफ़ कर देता है। और डैनी भी मार्क को ग्रीड करता है, और कार्लो यहाँ बताता है कि वो पंच के हाथों बुरी तरह हारने वाला है। और यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू होता है। यहाँ पर मार्क, डैनी और पंच इन तीनों को ही अलग अलग ग्रुप में रखा गया है ताकि वो फाइनल में एक दूसरे के सामने आ सके। यहाँ पर एंकर मार्क से उसकी सिस्टर और माँ के बारे में पूछती है, मगर मार्क यहाँ पर जवाब नहीं दे पाता। और यहाँ पर बच्चों को रहा नहीं जाता, इसलिए वो लोग मार्क के मैच देखने के लिए स्टेडियम की ओर निकल जाते हैं। मैच में तीनों अपने अपने अपोनेंट को हराने लगते हैं, और पंच तो अपने अपोनेंट का हाथ ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, और मार्क भी आसानी से अपने सभी मैचेस जीतने लगता है। और मार्क की विनिंग हैबिट्स देख करके एडवर्ड टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके दोस्तों ने पंच पर पैसे लगाए हैं। और यहाँ पर कार्लो रोनी को बुला करके $200,000 ऑफर देके कहता है कि मार्क डैनी के साथ मैच वाली हार जाए, क्योंकि पंच फाइनल में आसानी से डैनी को हरा सकता है और चैंपियन बन सकता है। यहाँ पर रोनी पैसे लेकर के आता है और मार्क को बताता है, लेकिन यहाँ पर मार्क डैनी ने रोनी को मना कर देता है, क्योंकि फिर से इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने का वो एक आखिरी मौका होता है। और मार्क ने वैसे भी बच्चों से वादा किया था कि वो चैंपियन बनेगा। और यहाँ पर कैसी को पता चलता है कि बच्चे मार्क का मैच देखने के लिए गए हैं, तो वो भी स्टेडियम की ओर निकल पड़ती हैं।
और अब बच्चों को देख करके मार्क का हौसला भी बढ़ जाता है और वो डैनी को फिर बड़ी ही मेहनत से हरा देता है, जिससे एडवर्ड और ज़्यादा डिप्रेस होता है और कार्लो यहाँ पर रोनी को पीटने लगता है और मार्क आकर के उसे बचाता है। और फाइनल मैच में मार्क और पंच आमने सामने आ जाते हैं और यहाँ पर कैसे भी वहाँ पहुँच जाती हैं। मार्क और पंच के बीच में मैच शुरू होता है मगर पंच बेईमानी करके मार्क के अंगूठे को मरोड़ता है, जिससे मार्क को पेन होने लगता है। और अब दोनों के हाथ को स्ट्रैप लगा करके मैच फिर से शुरू किया जाता है। घायल मार्क का फ़ायदा उठा करके पंच उस पर हावी होने लगता है। जब मार्क हारने की कगार पे होता है तभी उसकी नज़र कैसे पर जाती है। फिर मार्क समझ जाता है कि उससे प्यार करने वाले लोगों की आस लगी हुई है उस पर। और अब मार्क पूरी जोश से पंच का मुकाबला करने लगता है, जबकि सांसें रुक जाती हैं और मार्क अपनी पूरी पावर के साथ पंच को हरा देता है और मार्क चैंपियन बन जाता है और सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और अपनी स्पीच में मार्क अपनी माँ को सॉरी कहता है कि वो उसे आखिरी वक्त में मिल नहीं पाया, लेकिन उसकी वजह से एक नई फैमिली मिली और वो अपनी माँ को थैंक यू कहता है। और अब इस जीत की वजह से मार्क के अब अमेरिकन लीग भी अब मार्क खुल जाते हैं और अब मार्क टूर्नामेंट के लिए अमेरिका जाता है। बच्चे चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए मार्क को गुड लक कहते हैं और मार्क यहाँ पर पूरे जोश के साथ स्टेडियम में एंट्री करता है। और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म होती है। अगर यह एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।